आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस चैनल में हम बात करेंगे पेरेंट्स की कन्फ्यूज़न को लेकर। जी हाँ, पेरेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि स्कूल लगना ही नहीं तो एडमिशन क्यों कराएं? क्या एडमिशन कराना ज़रूरी है? तो इसका जवाब आप स्वयं देंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। तो आपको ध्यान देना होगा कि देखिए, आपका पिछले सत्र में आपका बच्चा यदि 8th क्लास में था, इस साल आप एडमिशन कराते हैं तो 9th में होगा और अगले सत्र में वो जाएगा 10th में। जी हाँ, अगर इस वर्ष आपने एडमिशन करा लिया तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा 9th क्लास में और नेक्स्ट ईयर वो चला जाएगा 10th क्लास में, ठीक है। और यदि इस साल कोरोना के चलते आपने एडमिशन नहीं कराया तो आपके बच्चे का एडमिशन 9th में नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो उसका एडमिशन 9th में ही होगा और एक साल का नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, तो नुकसान से बचने के लिए अभी आप एडमिशन कराएं और साल ख़राब होने से बचें और बचाएं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि आखिर आपके बच्चे का एक साल ख़राब होगा कैसे। तो समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि मान लीजिए यदि आपका बच्चा पिछले साल 8th क्लास में था, इस साल यदि आप एडमिशन कराते हैं तो उसका एडमिशन इस साल 9th क्लास में हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो यह माना जाएगा कि आप इस साल अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए जब आप बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, तो अगले साल जब आप एडमिशन कराएंगे या कराने जाएंगे तो उसका एडमिशन क्लास 9th में होगा, जबकि होना चाहिए 10th में। तो एक साल इस तरह से ख़राब हो जाएगा। अब समझिए, यदि मान लीजिए आपने एडमिशन करा लिया, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्लास लगी नहीं लगी तो उससे क्या होगा, अगर स्कूल नहीं लगे तो देखिए, वो आपका सोचने का काम नहीं है, वो सोचने का काम गवर्नमेंट का है। आपका काम है सिर्फ एडमिशन कराना, स्कूल लगेंगे तो पास होगा। और यदि मान लीजिए स्कूल नहीं लगते हैं कोरोना के चलते या किसी कारणवश, तो आपके बच्चे को जनरल प्रमोशन मिल जाएगा, यानी वो अपने आप ही पास हो जाएगा और वह उसका साल ख़राब होने से बच जाएगा। लेकिन यदि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है तो सिर्फ पास उन्हीं बच्चों को किया जाएगा जिनका इस साल एडमिशन हो गया है या जिन्होंने इस साल एडमिशन करा लिया, तो इस तरह से आपका साल ख़राब होने से बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको काम क्या करना है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल में जा कर के उसकी जो एडमिशन फ़ीस वगैरह है या जो भी प्रोसेस है, तो आप उस प्रोसेस को पूरा कीजिए और निश्चिंत होकर के घर पर बैठिए, स्कूल लगे तो नहीं लगे तो। अतः आप लोग जो है नियमों को समझें, और सभी पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि आपका बच्चा जिस भी क्लास में है या अभी बिल्कुल वो स्कूल शुरू ही करने वाला है, तो उसका एडमिशन आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आप एडमिशन कराएं और साल ख़राब होने से बचें, नहीं तो एक शिक्षण सत्र जो है पीछे हो जाएगा। इसलिए कॉलेजेस में भी एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल शुरू हो गई है, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, सारी चीज़ें हैं और ऑनलाइन जो भी फीसेस वगैरह हैं वो सब गवर्नमेंट ले रही है, सभी कार्यालय सारी चीज़ें चालू हो गई हैं। सिर्फ चूँकि क्या है, स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चों के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता, इसलिए कम से कम एडमिशन प्रोसेस तो हो जाए ताकि बच्चों का एक शिक्षण सत्र पीछे होने से बचा सके। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चों का जो है एज कितनी घट जाएगी, यानी हम लोग एक एक साल बचाते हैं जब नाम लिखाते हैं, और एक शिक्षण सत्र पूरा मतलब पीछे हो जाना बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए शिक्षा विभाग ने सभी जगह जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, और आपको जानकारी हो कि हमारे विद्यालय क्षेत्र के विद्यालयों में भी 20 अगस्त कक्षा नर्सरी से लेकर के और 8वीं तक की एडमिशन्स की जो डेट है वो 20 अगस्त रखी गई है, साथ ही कक्षा 9वीं और 10वीं की एडमिशन एग्ज़ाम फीस वगैरह फिल करने के लिए जो है अंतिम तिथि 12 तारीख थी, जो बढ़ करके आज 13 तारीख हो गई है, और कॉलेजेस में भी 20 अगस्त लास्ट डेट है एडमिशन्स की। उम्मीद है काफ़ी हद तक मेरा वीडियो आपके काम आएगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और
थैंक यू वेरी मच, कमेंट करना ना।